अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको भाई एक और नया वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बल्तिस्तान में बाहर की आमद की वीडियो दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बल्तिस्तान में बहार की आमद पर सबसे पहले खुबानी का फूल खिलता है, उसके बाद सेब और चेरी का फूल खिलता है। इस वीडियो में हम आपको खुबानी के फूल यानी एप्रिकॉट ब्लॉसम दिखाएंगे। अभी इस एरिया में सबसे ज़्यादा खुबानी के दरख्त है, तो इसी एरिया पे हम आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं। उसके बाद एक दो और मुकाम है, वहाँ पर भी ले चलते हैं। सफ़र के दौरान रास्ते में एक खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा देखने को मिला। ये एक कदीमी मस्जिद है जो मुकम्मल लकड़ी से बना हुआ है।
मस्जिद के साथ एक कदीमी गांव देखने को मिला। इस गांव की तमाम घर कदीमी तर्ज़ो तामीर से बना हुआ है। गांव की छोटी छोटी गलियां बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारा पेश करते हैं। इंशाल्लाह इस गांव में हम आपको दोबारा ले आएंगे और एक मुकम्मल तफसीली वीडियो में हम आपको कदीमी तर्ज़ो तामीर से बने हुए मकानात और गलियां वगैरह सब कुछ मुकम्मल दिखाएंगे। मंजिल की तरफ दोबारा सफ़र करते हैं और एप्रिकॉट ब्लॉसम की खूबसूरत झलकियाँ देखने चलते हैं। तकरीबन आधा घंटे की राइड के बाद हम एक जगह पर पहुंचा है जिसका नाम है डागोनी। ये बल्तिस्तान के एक गांव का नाम है। ब्लॉसम फेस्टिवल बल्तिस्तान में मनाया जाता है और ब्लॉसम फेस्टिवल का सबसे मेन व्यू पॉइंट यही है। डागोनी में सबसे ज़्यादा खुबानी की दरख्त है जिसे आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अब हम आपको डागोनी की एरियल व्यू दिखाते हैं, उसके बाद दूसरी मंजिल की तरफ सफर पेरा होते हैं। रास्ते में एक और छोटे गांव का नज़ारा देखने को मिला, आप भी एंजॉय करें। करीब कोई ब्रिज ना होने की वजह से यहाँ के लोग इस दौर जदीद में भी राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं दरिया पार करने के लिए।
अब हम एक और डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है जिसका नाम है यूचोंग। यहाँ पे भी खुबानी की दरख्त थोड़ा मकदार में ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ब्लॉसम का फेस्टिवल लोग इंजॉय करते हैं। इस गांव में भी हम अपने ड्रोन की मदद से आपको एरियल व्यू दिखाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।